नमस्कार, मैं हूं सोम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। चलते हैं आज की खबरों की ओर। हरियाणा की अग्रणी नाट्य संस्था अभिनय रंगमंच द्वारा गुरु नानक की शिक्षाओं पर आधारित नाटक सतनाम वाहेगुरु की प्रस्तुति रियाज स्टूडियो में की गई। यह साल गुरु नानक की 550वीं जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जाएगा। इसी अवसर पर यह प्रस्तुति की गई थी। दास्तानगोई शैली में प्रस्तुत की गई इस प्रस्तुति में नानक जी के जन्म से लेकर मरण तक के किस्से बताए गए थे। हमारे दिल के आईने में है तस्वीर नानक की, हमारे कान के पर्दे में है तकरीर नानक की। जैसे ही यह पंक्तियां अभिनेताओं द्वारा बोली गई, तभी पूरा हॉल तालियों से गुंजायमान हो उठा। नानक जी की शिक्षाओं और यात्राओं का भी विस्तार से वर्णन किया गया। नाटक में नानक के साथ साथ कबीर और रूमी की रचनाओं को भी प्रस्तुत किया गया। मनीष जोशी के निर्देशन में इस प्रस्तुति को बेहद सराहा गया। इसका सह निर्देशन और सह लेखन सकलेन शहीदी द्वारा किया गया। इस मौके पर रमिंदर शंटी और अमरजीत खालसा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। नाटक के बारे में और गहराई से जानते हैं इसके निर्देशक मनीष जोशी से सिटी बिग न्यूज की खास बातचीत में। अभी हमारे साथ है मनीष जोशी हैं, जो कि हिसार नहीं पूरे हरियाणा देश में इन्होंने नाटक के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, और हिसार में पूरा रंगमंच में एक जाना माना नाम है मनीष जोशी जी का। इनसे जानते हैं जो आज का जो प्ले है किस टाइप का प्ले है और क्या संदेश देता है। मनीष जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का जो नाटक है उसका नाम है सतनाम वाहेगुरु, और ये जो साल है ये गुरु नानक का 550वां मतलब बर्थ सेलिब्रेशंस हैं, तो उसके ऊपर हम लोगों ने प्ले किया है। और गुरु नानक पे प्ले करने के लिए एक सबसे बड़ा एक चैलेंज जो सामने होता है वो ये होता है कि आप नानक का रोल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको एक देश की सबसे ओल्डेस्ट जो फॉर्म थी किस्सा गोई, उसके थ्रू हमें प्ले कर रहे हैं। और इसमें गुरु नानक की जो शिक्षाएँ हैं वो दिखाएँगे हम लोग प्ले के माध्यम से, और ये हरियाणा में पहली बार हो रहा है कि कोई नानक के ऊपर कोई एक नाटक बना है। नानक कितने कैरेक्टर है इसमें, कितने लोग इस नाटक में 6 किस्सा गो हैं जो किस्सा बयान करते हैं, तो उनको हम बोलो तो उसको हम लोग बोलते हैं किस्सा गो, वो एक्टर्स नहीं है, उनको बोलते हैं किस्सा गो या दास्तान गो। तो ये 6 हैं और साथ में म्यूजिक पे संगीत नाटक जो एकेडमी है उसके एक विनर हैं चाइनीज गिल, उन्होंने म्यूज़िक किया है इसका पूरा। और नाटक में कबीर है, रूमी है, नानक हैं, तो नाटक जो है पूरा का पूरा नानक में है, तो आप लोग देखिए आपको अच्छा लगेगा। जैसे नाटक की बात करें तो हम लोग आप कई वर्षों से इसमें आप लगे हुए हो इस रंगमंच को आगे बढ़ाने के लिए, किस तरह के अभी तक किस मुकाम तक आप पहुँचे हैं, क्या लगता है सरकार की तरफ से क्या योगदान है और समाज में नाटक को लेकर किस तरह का रुझान है? सी, जब हमने नाटक करना शुरू किया था तो हमने कभी गवर्नमेंट से पूछ के नहीं किया था कि हम लोग ये प्ले करें क्या, और गवर्नमेंट जो देती है वो ऊँट के मुँह में जीरा है, और लेकिन वो जो सहयोग है उससे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। हरियाणा कला परिषद है हरियाणा में, वो अच्छा काम कर रही है आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, और कई और स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसा काम हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग आश्रित नहीं हैं। और जो मुकाम की बात है तो हिसार शहर में बहुत सारे रंग दर्शक हमारे साथ आए हैं, रंग प्रेमी हमारे साथ आए हैं। हम लोगों ने हिसार में 21 दिन का एक फेस्टिवल किया, वो हिसार के लोगों ने उसमें आर्थिक सब सहयोग दिया, उसमें गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं था। जैसे हरियाणा में रंगमंच और एक हरियाणवी फिल्म की हम लोग बात करें तो हरियाणवी फिल्म हरियाणा में पिट जाती है, अगर हरियाणवी डायलॉग कोई बॉलीवुड में होगा तो वो सुपर हिट जाती है मूवी, और हरियाणवी फिल्म हो तो मतलब थिएटर में प्रोड्यूसर इतना हो जाता है कि बुला बुला के ले जाने के बावजूद भी लोग नहीं पहुँचते, इस विषय में कहाँ कमी लगती है आपको? क्योंकि हरियाणा में ना हरियाणवी एक नहीं है, रोहतक की हरियाणवी अलग है, पलवल की हरियाणवी अलग है, सिरसा की हरियाणवी अलग है, और हिसार की हरियाणवी अलग है, तो सबको क्या लगता है कि जो हमारी हरियाणवी है वो ओरिजिनल है, तो हमें एक ऐसी भाषा का इजाद करना होगा जो जितने भी 4 जो मैंने आपको जोन्स बताए उनको लगे कि ये हमारी भाषा है। और हरियाणा में कंटिन्यूटी में जब तक फिल्में नहीं बनेगी तब तक लोग नहीं आएंगे देखने के लिए। और हरियाणा मतलब ह्यूमर, तो अभी तक ना ह्यूमर मैं किसी भी फिल्म में देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, और जो लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया उन सब ने जो हरियाणा का ह्यूमर है तो उसको अपनाया है। जैसे पिछले दिनों आपने 10 दिन का फेस्टिवल, 8 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, अब आपका जो आगे आने वाला फेस्टिवल कितने दिन का होगा और उसमें किस तरह से और कब होगा? मेरा एक
एक ड्रीम मतलब है कि हम लोग एक 100 डेज का फेस्टिवल करें और वो हिसार में ना होकर मतलब हरियाणा के हर गांव में हो, और मे बी 2022 तक हम लोग उसको करने के उसमें हैं। 2022 में 100 डेज का फेस्टिवल होगा। जैसे आप यहाँ अपने यहाँ पे सेंटर पे थिएटर का आप मंचन करते रहते हैं, आम पब्लिक का किस तरह का रुझान है? कितने जैसे आपके आर्टिस्ट बहुत सारे इसमें मेहनत लगती है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, बहुत दिन इसमें लगने के बावजूद एक नाटक तैयार होता है, तो लोगों का कितना आप ये इसमें मानते हैं कि सहयोग? लोगों का काफ़ी सारा मतलब कोऑपरेशन है हमें। जैसे आज के लिए हमने कोई पास नहीं बनवाया, कोई कुछ नहीं बनवाया, लेकिन एक मैसेज पर लोग आ जाते हैं। अभी अब देखेंगे तो अभी ना हाउसफुल हो जाएगा अभी। और नाटक हम लोग क्यों करते हैं, उसका क्या है कि जैसे हमारे घर में एक पेचकस होता है, प्लास होता है, हम लोग उसको रोज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब उसकी आवश्यकता होती है तो वो किसी चीज़ को टाइट करने का काम आता है। तो ऐसे ही आर्ट है, आर्ट एक प्लास है, पेचकस है, जो बीच में थोड़ा सा सोसाइटी जब यहाँ वहाँ हो रही होती है तो उसको टाइट करने के काम आता है, और हिसार की ऑडियंस टाइट हो रही है और अच्छा। तो आम पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कल्चर एक्टिविटी बढ़ावा देने के लिए, हरियाणी फिल्म को बढ़ावा देने के लिए, रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए आम पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? देखें जाके, जब तक वो देखेंगे नहीं तो नहीं होगा, उनका सिर्फ काम देखने का है। अगर वो देखते रहेंगे तो अपने आप चीज़ें फैलती रहेंगी, फूलती रहेंगी। जैसे आजकल का हम लोग बात कर रहे थे, जैसे इवेंट बहुत सारे शहर में होते हैं, नाटक भी होते हैं, और भी लोग पैसे दे के नाटक देखने में जाने में हिचकते हैं, कहीं भी कल्चर प्रोग्राम में पे करके जाना, वो सोचते हैं कि पास मिल जाए, कहीं से पास का जुगाड़ हो जाए, फिर हम लोग जाएं। तो आदत कैसे डले और ये कहाँ कमी मानते हैं, ऑर्गेनाइजर से कमी मानते हैं या लोगों में ये धारणा नहीं है खरीदने की? देखिए, जो अभिनय रंगमंच है, हम लोगों ने 11,000 ईयरली एक मेंबरशिप रखी है, और हमारे पास शहर के 100 के आसपास मेंबर्स हैं। तो ये टिकट वाला जो मामला है, इसमें जो हमारा जो ग्रुप, उसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को। तो आप मानते हैं हिसार में लोग पेवल लें और कल्चर प्रोग्राम के लिए, नाटक के लिए, उसके लिए पैसे खर्च के जाते हैं? खर्च के जाएंगे, लेकिन उन तक वो रीच होनी चाहिए। हिसार के लोग अभी थोड़ा सा ये हैं कि उनके पास कोई टिकट देने के लिए आ जाए, वो काउंटर से नहीं लेंगे जाके। अच्छा। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग जाके दें, सब लोगों को सुविधा चाहिए, अभी सब लोग इसलिए लोग नहीं आते हैं देखने के लिए। मनीष जी, सिटी बिग न्यूज़ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और आपका जो यूट्यूब पे खूब फले फूले, और थैंक यू। ये थे मनीष जोशी जी, रंगमंच के एक अच्छे कलाकार हैं, और इन्होंने हरियाणा में नहीं, हिसार में, बल्कि पूरे देश में इन्होंने अपना रंगमंच का नाम एक उसमें ला के छोड़ दिया, और यहाँ पे हर महीने यहाँ हिसार में कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। तो हम भी इनके साथ जुड़े रहे हैं कई वर्षों से, और हम भी यही चाहते हैं कि हिसार में रंगमंच और हरियाणी फिल्म को लोग देखें जाएँ और एक इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ावा मिले। कैमरामैन कमल लोहान के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए। जरा सोचते कि दानिश्वरों के दानिश्वर करे सजदा जो इश्क का, वाह वो कायनात का रहवर आने लगे नजर, इस जमी पर हर कदम पर लगे पहरा जो इश्क का, वो सितारों की चादर उतर इधर उधर, ये हुस्न है आसमानों का, दस्ता है दास्तानों का, कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ वक्त इश्क है और उसकी औकात है मोहब्बत। दास्तानों का ये दस्ता अपनी पुरसुकून लय में बखूबी चला जा रहा है, जहां मुसाफिर मैं हूं, आप हैं, कुछ गुम गए, कुछ दर्ज है। जनाब, कभी ये दस्ता फासले पर रहता है तो कभी नजदीक आ जाता है, ऐसे ऐसे किरदारों से मिलवाता है कि आंखें फटी की फटी रह जाए, ऐसे ऐसे नजारे दिखाता है जो सोच समझ से परे हो, तो कभी ऐसी बातें बताता है जिनके बिना लगता है कि हम अधूरे हैं। बड़े बड़े शहरों, मुल्कों, अलग अलग सभ्यताओं के दरमियान वक्त की संकरी गलियों से होता हुआ दास्तान का ये दस्ता हजारों लाखों वर्षों से कभी पारस तो कभी बनारस, कभी नील नदी तो कभी येलो रिवर के किस्से सुनाता है, कभी हितोपदेश की कहानियां तो कभी जातक कथाएं सुनाता है, और कभी जा पहुंचता है मूसा और फिरौन के दौर में, तो कभी जा पहुंचता है गुरु नानक के सत्य नाम में। ये दुनिया ये दास्ता भी अजीब है, जहां दूर है वही करीब है, सत्य है, यही आज की दास्तान है, जिसमें हमारे प्यारे गुरुजी की शिक्षाओं का तार समाहित है, उनकी वाणी समाहित है कि ईश्वर एक है और उसका नाम सत्य।
सत्य है, वो अनादि और निराकार है। उसका एहसास उसकी कृपा से ही संभव है और उस तक पहुंचने का रास्ता हृदय से होकर है। हमारे प्यारे गुरुजी का नाम गुरु नानक देव जी है। शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।